है और 40,000 रुपया लूटी गई थी। तो वो सारे के सारे बरामद हो गए हैं। पैसे में जो है कि 20,000 रुपया बरामद किया गया है। इन लोगों ने पूछताछ में हमारे यूपी के पुलिस ने भी काफ़ी जो है कि चूँकि बॉर्डरिंग इलाके में इन लोगों का कुछ था तो उन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। उसी क्रम में ये मालूम चला कि 3/8 को यानी 3 अगस्त को इन लोगों ने यूपी में भी गहमर में एक CSP गोल लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी बड़ा खबर आ रहा बटुए कई गो लूट कांड के 6-6 गो आरोपी भारी मात्रा में हथियार के साथ पकड़ल गइलन SP साहेब पकड़े वाला टीम के करब पुरस्कृत खबर का बटुए विस्तार से जानी। यह जिला में CSP बैंक के लूट कांड सहित उत्तर प्रदेश में लूट कांड करे वाला गिरोह के पर्दाफाश भइल बा। SP साहेब के नेतृत्व में एक बार फिर बक्सर पुलिस बड़ सफलता हासिल कैले बिया। सब कुछ बताई भोजपुरिया समाचार। SP साहेब के बयान सुनाई भोजपुरिया समाचार। खबर के अंत तक बनल रहब। ई उपलब्धि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में चौंसा रेलवे स्टेशन के नज़दीक BFA के देर राति खा पुलिस कड़ा मशक्कत के बाद पौले बिया। इमें 6 गो पेशेवर अपराधी गिरफ्तार कैल बड़े। पेशेवर के मतलब ई बटुए कि जेकर आदते बनल रहे लूट छीन पाट मार इे धंधा ई लोग के रहे। इनका भीड़ी से 2 गो पिस्टल 1 गो देसी काटा 10 गो जिंदा कारतूस आ लूटल गई CSP संचालक से 20,000 नगद 3 गो फोन 1 गो बाइक 1 गो पॉस मशीन आ बैंक के कागज मिलल बा। एकरा के लेके आज सुख के साझी खान नीरज कुमार सिंह SP प्रेस वार्ता आयोजित करके बतैनी कि पकड़ल गई अपराधी में राम बाबू महतो पुत्र रामा शंकर सिंह गांव चौंसा ज्योति प्रकाश कुशवाहा पुत्र मनन सिंह ग्राम चौंसा रवि कुमार पुत्र रामानंद सिंह ग्राम कटघरवा मृत्युंजय कुमार पुत्र विनोद सिंह ग्राम चौंसा सब मुफस्सिल थाना दिव्यांशु कुमार यादव छोटे पुत्र सत्येंद्र सिंह ग्राम सुरौंधा सन्नी कुमार पुत्र संजय सिंह ग्राम हकीमपुर दोनों इटाढ़ी थाना हवे लोग। SP साहब बतैनी कि लोग मिलके 8 जुलाई के बक्सर चौंसा मार्ग पे मछली व्यवसायी से 40,000 रुपया के लूट कैले रहे लोग। एमे राम बाबू महतो आ दिव्यांशु यादव के पूर्व से आपराधिक रिकॉर्ड भी रहल बा। सब कुछ भोजपुरिया समाचार सुनाई SP साहेब के जुबानी। SP साहेब कहनी कि ऑपरेशन के सफल बनावे में अहम भूमिका निभावे वाला सब पुलिसकर्मी के इनाम दिहल जाए। टीम में मुख्य रूप से प्रशिक्षु DSP अमरनाथ DIU प्रभारी राजेश मालाकार मुफस्सिल थानाध्यक्ष अमित कुमार इटाढ़ी थानाध्यक्ष राहुल कुमार पूर्व नगर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार के अलावा DIU के टीम शामिल रही है। तो सब लोग के सम्मान भी मिली। बता दी कि बड़ा गैंग के पर्दाफाश भइल बटुए कौनो जाना ऐसा अपराधी नहीं खन जेकरा ऊपर आरोप नहीं खे। सुनी बयान करीब करीब एक महापूर्व जो एक लूट की घटना प्रतिबंधित हुआ था जिसमें 40,000 अपराध कर्मियों को द्वारा लूटा गया था। तो कल जो है कि गुप्त सूचना मिली देर रात को जिसमें चौसा रेलवे स्टेशन के पास कुछ अपराध कर्मी इकट्ठा होकर लूटपाट करने का अंजाम देना चाह रहे थे। तो इसकी सूचना हमारे थाना प्रभारी को हुई। उसी समय कल हम लोगों का विशेष गश्ती अभियान निकला था जिसमें हमारे DIU के टीम थे हमारे प्रोफेशनल DSP थे हमारे DSP साहब थे उनके रेगुलर जो गश्ती चेकिंग में ये भी थे। तो इन लोगों ने उस सूचना को डेवलप किया। डेवलप करने के बाद अपराधकर्मियों को पकड़ा। 3 अपराधकर्मी पकड़े गए जिसमें राम बाबू महतो थे सन्नी कुमार हैं और ज्योति प्रकाश हैं। इन लोगों के पास से अवैध अग्नियास बरामद हुए और कुछ सामान बरामद हुआ। इन लोगों से जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो इन लोगों ने अपने बताया कि जो 40,000 रुपये की लूट हुई थी CSP संचालक से जिसमें CSP संचालक के द्वारा प्राथमिकी दर्ज में बताया गया था कि उनका जो बैंक का जो पासबुक होता है सब मशीन होता है और 40,000 रुपया लूटी गई थी। तो वो सारे के सारे बरामद हो गए हैं। पैसे में जो है कि 20,000 रुपया बरामद किया गया है। इन लोगों ने पूछताछ में हमारे यूपी के पुलिस ने भी काफ़ी जो है कि चूँकि बॉर्डरिंग इलाके में इन लोगों का कुछ था तो उन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। उसी क्रम में ये मालूम चला कि 3/8 को यानी 3 अगस्त को इन लोगों ने यूपी में भी गहमर में एक CSP को लूटा है। करीब 1.5 लाख के आसपास जो है कि उसमें इन लोगों ने लूटा। इनमें जो इनके निशानदेही पर कुछ लड़के पकड़े गए हैं जो कुछ लाइनर के काम किए कुछ इनके जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है वो देने में इनको मदद किए
जिनमें राम बाबू महतो पकड़े गए हैं, ज्योति प्रकाश पकड़े गए हैं, रवि कुमार पकड़े गए हैं, मृत्युंजय कुमार हैं, दिव्यांशु और सन्नी। इनके पास से जो बरामद हुआ है वो पिस्टल 2 है, देसी कट्टा 1 है, जिंदा कारतूस 10 है, एंड्रॉयड मोबाइल 3 बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल 1, जो कह रहे थे कि हम लोगों ने पॉस मशीन जो CSB संचालक को लूटा गया था वो बरामद हुआ है, और लूटी गई रकम में से 20,000 रुपये बरामद हुए हैं और बैंक के अंतर जाल बरामद हुए हैं। सर किस तरह का गैंग है ये, कहाँ के हैं ये? प्रोफेशनल गैंग है ये, जो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी संपत्ति मूलक अपराध ये करते हैं, कहीं मोबाइल छीन लिया, कहीं पैसा छीन लिया। वही राम बाबू महतो के ऊपर 4 मुकदमे दर्ज हैं, दिव्यांशु और छोटू गाड़ी कराने वाले हैं इनके ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं, रवि कुमार पे 4 मुकदमे दर्ज हैं और सन्नी कुमार पे 2 मुकदमे दर्ज हैं। सन्नी में डुमराव में और रोहतास के कोचस में है, और रवि कुमार का पूरे 4 मुकदमे दर्ज हैं जो बक्सर मुफस्सिल के हैं, सभी के सभी जो है कि चोरी के मुकदमे उन पर दर्ज हैं। तो ये प्रोफेशनल गैंग है जिनका जो है कि हमारे सदस्यों के द्वारा जो है कि समय रहते जो है